हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये है स्पंज, वाइट कलर, गोल्डन कलर। ये मैंने स्पंज को काट लिया है 2 पीस में। इससे ही मैं पेंट करूंगी बोतल को। ये है टेप और इसको मैं बोतल पे लगा लेती हूँ। बोतल पे लगाने के बाद मैं इसको, इसे लगाने से बोतल में ना डिवाइडेशन हो जाएगा। ऊपर मेरे को वाइट कलर ना करना है कलर, और नीचे मैं इस पे रेड कलर करूंगी। ठीक है, इस तरह आप ये डिवाइड कर लें आप अपनी बोतल जब बनाएं आप। ठीक है, अब मैं इस पे वाइट कलर कर रही हूँ। ऐसे ही आप टैप टैप करते हुए इस पे पूरी पे कलर करें। देखो, आप देख पा रहे हैं? ठीक है, मैं ऐसे ही करते हुए इसको अच्छे से करें। जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। अब मेरे को नीचे रेड कलर करना है इसमें। अब ये मैंने रेड निकाला, लेकिन रेड ना काफ़ी गाढ़ा हो रखा था पेंट, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया। थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करके थोड़ा सा रेड लिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, रेड कलर थोड़ा सा ये लिया और थोड़ा सा ऑरेंज, दोनों को मिक्स करके तब मैंने ये इस पे किया है। ठीक है, अब ये हो गया है। इसको भी आप ऐसे टैप टैप करके अच्छे से इसको कर लें। ठीक है, ऐसे ही मैं पूरा ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये ठीक है, देखा? अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसे ना दूसरी बोतल को कलर कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगी ब्लैक से कलर। ठीक है, अब आप देखो इसको भी। मैं, वो मेरा सेकंड स्पंज जो मैंने दो काटे थे उसमें से ये एक है। इससे मैं इसे पूरी बोतल को ब्लैक पेंट कर लूँगी। ऐसे ही टैप टैप करते हुए आप, ऐसे करने से एक तो पेंट कम लगता है, और जब ब्रश से हम करते हैं तो ब्रश से ना लाइनिंग पड़ जाती है। इससे लाइनिंग नहीं पड़ती अगर आप स्पंज से करते हैं इस तरह। ठीक है, आप ऐसे ही करते हुए पूरे को इसको कर लें। ठीक है, अभी मेरी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाली है बॉटल, थोड़ी सी बची है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूफ है कि मैं खुद ही बना रही हूँ बॉटल, किसी की उठा के नहीं। ठीक है, ये हो गया। अभी भी मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी। अब मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है मटका। मटका बनाती हूँ मैं अब। ठीक है, ये गोल्डन पेंट से इसको मैं पेंट करती हूँ। ठीक है, आप इसे देखो, इसे लिया, ऐसे ही मैं इसको पेंट कर दूंगी। ये मैंने देखा, ऐसे देखो ऐसे पेंट करना है। ठीक है, अभी दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करके। ठीक, ये हो गया है पूरा पेंट, थोड़ा सा बचा है। इसको भी मैं आपके सामने इसको ऐसे फैला देती हूँ अच्छे से। ये भी मैंने स्पंज से ही किया है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि भाई आपने बोला था कि मैं बना के दिखाऊंगी और बना के नहीं दिखाया, तो मैं ये आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो शूट किया मैंने, और इसमें मैं अलग से आवाज़ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी, बोल भी रही थी, तो साथ साथ बच्चे भी बोल रहे थे, कहीं कुछ आवाज़ हो रही थी, कहीं कुछ आवाज़ हो रही, तो इसलिए ना मैंने वो म्यूट करके अब अपने अलग से इसमें वॉइस दी है, ताकि बाकी चीज़ें आपको परेशान ना करें। बहुत सारा शोर होता है, और अभी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें, मतलब आवाज़ दे रही हूँ तो भी बाहर सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। देखो, ये ब्लैक बोतल सूख गई है। इस पे मैं पेंट करती हूँ गोल्डन से। जो मैंने मटके पे किया है ना, ये वही गोल्डन पेंट है। इससे मैं इस पे ब्रश की मदद से फ्लावर बना दूंगी। ठीक है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं इस पे फ्लावर बना दूंगी ऐसे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बना के कि मैं कैसे बना रही हूँ, तो आप देखना, फिर आप भी अपने घर में बनाइए। और अगर आपको ये पसंद आता प्रोजेक्ट
देख रहे, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो एक कान साफ करने वाली ईयरबड़ होती है ना, आप इससे भी कर सकते हैं। देखो ये देखो, आप इससे ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे करें और ऐसे करें, ये 5 पत्तियां इसकी बन जाएंगी। आप ऐसे भी बना सकते हैं फ्लावर को, ब्रश का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक झाड़ू की सीख लें, उस पे कॉटन को रैप करके उससे भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये अभी चारों तरफ से बन गई है, बस एक लाइन बची है। अभी मैं इसको आपको दिखाती हूँ। बस मन में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, काम कोई मुश्किल नहीं होता, आसानी से हो जाते हैं सब काम, अगर आपके मन में इच्छा है तो। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो आप पूरा दिन कुछ मत करो। ये अब मैं नीचे डिजाइन बना रही हूँ, उसमें से थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी सी लाइन रखी हुई ना, सुंदर लगेगी ये फिर। ठीक है, ये मैंने इस तरह इसमें नीचे डिजाइन बना दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर भी इसमें मैं, इसके लिए मैं पतले वाला ब्रश लूँगी। से देखो बिल्कुल पतले वाला ब्रश लिया है, इसको मैं गोल्डन पेंट में डिप करके हल्की हल्की ऐसे लाइनिंग बना दूँगी इस पे। ठीक है फ्रेंड्स, बस ऐसे ही ये पूरी मेरी बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसकी नेक पे मैं पूरा गोल्डन पेंट कर रही हूँ। देखो इसे, एक बोतल बनकर रेडी हो गई है। प्रूफ 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 कि बोतल मैंने ही बनाई है। अब मैं इसको बनाती हूँ। इसके लिए आपको किसी भी, देखो ये ऑरेंज कलर है, ये वाइट कलर है और ये रेड है था इसमें। अभी देखो आप, इसके लिए आपको किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है। आप फिंगर पे कलर लें थोड़ा सा और फिंगर से ही आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको कि मेरे पास ब्रश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिंगर से लें, ऐसे फिंगर पे कलर रेड और वाइट दोनों मिक्स करके और ऐसे करें टैप, ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये एक फ्लावर बन गया है। अब सेकंड फ्लावर बनाएंगे हम। देखो ऐसे से ऐसे ऐसे। ठीक है, ये फ्लावर बन गया है। ये भी फ्लावर बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कितना आसान होता है ना, बेकार की चीज़ों को घर में पड़ी हुई हम सजा दें। अरे बाहर जाएंगी, टूटेंगी, कांच बिखरेगा, कांच बिखरने से फिर किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, तो इससे बेहतर तो आप इनको डेकोरेट करिए और अपने घर में सजाइए। एक तो कूड़ा नहीं होगा, ऊपर से आपके घर की शोभा भी बढ़ेगी। प्लीज़ फ्रेंड, आप अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही मैं आपसे कहूँगी, और अपने जो भी अगर आपको गलत लग रहा है इसमें कुछ तो वो भी, और जो सही लग रहा है वो भी कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। जो मेरी आप वीडियो देखते हैं उसी के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है,
आप उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं कि आप ये गलत कर रही हैं या आप ये सही कर रही हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो मैंने इसमें पत्तियां भी बना दी हैं। अब मैं ब्लैक कलर से इसमें फ्लावर्स के बीच में ना डॉट लगाए हैं सब में, ऐसे ईयरबड से सभी फ्लावर्स के बीच में मैंने डॉट लगा दिए हैं। ये आप देख रहे हैं इसे पतले ब्रश से फिर ऐसे ही। अब ये बनाते हुए मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, उन्हीं का फोन आया हुआ तो इसलिए मेरी हंसी छूट गई थी। अब ये बोतल भी मेरी तैयार होकर रखी गई है, अब बस ये मटका बचा है, इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये मटके पे मैंने ऐसे फ्लावर बनाने स्टार्ट किए हैं। एक्चुअली क्या है, मुझे इस पे इससे ही वर्क करना पड़ा, पेंट से ही, क्योंकि मेरे घर में जो मिरर रखे थे वो कहीं मिस हो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये इसी से कंप्लीट किया, क्योंकि मैं मिरर इस पे बाद में लगाऊंगी जब वो मिल जाएंगे। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो मिले नहीं, पता नहीं कहाँ रखे गए, तो इसलिए मैंने ये पेंट किया है, इसी से डेकोरेट किया है इसको। चाय आ गई है, आप चाय पी लीजिए। और अभी रात के 10:30 बजे हैं, मैं काफी लेट तक काम कर रही थी इस पे। इन सब में मैं अंदर ब्लैक वो करके अब मैंने इन सब के चारों तरफ ग्रीन कलर से कोटिंग कर दी है। ये मेरा मटका भी तैयार।